PSL लगातार खेल रहे हैं, क्या कभी ये भी ख्वाहिश हुई है आपके दिल में आया कभी कि आप IPL भी खेले, किसी टीम की नुमाइंदगी करें ताकि पता चले कि IPL का स्टैंडर्ड? और ये बड़ी बात होगी मेरे लिए, प्राउड की बात होगी कि अगर मुझे कभी चांस मिला 2030-40 में। क्योंकि ये बड़ी अजीबोगरीब किस्म का जो है वो इनकी सोच है BCCI की, कि जी पाकिस्तान का पासपोर्ट किसी के पास होगा या पाकिस्तान में जो रहता होगा वो जी IPL नहीं खेल सकता, बाकी दूसरे नेशनलिटी वाले वो सब जो खेल सकते हैं। तो क्या IPL को में शामिल होना चाहिए हमारे प्लेयर्स को? मैं वो तो ले ही नहीं रहे ना हमारे प्लेयर्स को, हमें क्या जरूरत है? मुश्किल ही है कि वो आपको वो भी करें, क्योंकि हुकूमत किसकी है? एक्सट्रीमिस्ट, बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट है वो मोदी साहब, है ना, उसको एक के अलावा कोई नजर ही नहीं आता है। ये IPL में जो करोड़ों करोड़ों रुपए के बंदे बिके हैं कि साढ़े मुंडियां की कोई कीमत नहीं सी। समझते हैं कि फॉरेन प्लेयर जो बाकी हैं, जो गोरे हैं, वो शाहीन शाह अफरीदी से अच्छे बॉलर हैं, या बाबर आजम से अच्छे बैटर हैं, या रिजवान से अच्छे बैटर हैं। या आप देखेंगे 15-16 करोड़ में जो बिका है सबसे महंगा, अगर वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को उसकी इजाजत होती ना बाखरी साहब, तो शाहीन शाह अफरीदी या बाबर आजम मेरे ख्याल से वो नंबर वन आते और सबसे महंगे तरीन क्रिकेटर होते IPL में। दुनिया का बेहतरीन क्रिकेटर कौन है? शाहीन शाह अफरीदी। दुनिया का बेहतरीन T20 क्रिकेटर कौन है? मोहम्मद रिजवान। दुनिया का बेहतरीन वनडे प्लेयर और T20 प्लेयर कौन है? बाबर आजम। कम से कम 15 खिलाड़ी ऐसे हैं जो IPL ऑप्शन में जा सकते थे। पाकिस्तानी खिलाड़ियों का IPL में ना होना IPL का नुकसान है। नहीं है, पहली बात हमें जरूरत नहीं है, सॉरी, हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी वन ऑफ द टॉप 100 करोड़ की आबादी हमारी तरह नहीं निकाल सकते प्लेयर। आप देखे दिन बाई दिन, IPL में अगर पाकिस्तानी क्रिकेटर को इजाजत होती तो रिजवान शायद सबसे बड़ा होता। को कम से कम इस साल तो उनकी फॉर्म को देखते हुए तो मैं तो समझता हूँ कि रिजवान बड़े हॉट चॉकलेट के तौर पर लोग इनको उठाते और फ्रेंचाइजीज बड़ी भारी कीमतें देती कि 10 करोड़ से ऊपर की मछली है मेरी जान। IPL के अंदर पाकिस्तानी प्लेयर्स का ना होना इट इज अ मोस्ट सैडेस्ट थिंग इन वर्ल्ड एंड स्पोर्ट्स, वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स, ये बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। 2010 के अक्सन में BCCI ने एक रूल ऐड कर दिया, डॉग्स एंड पाकिस्तानीज आर नॉट अलाउड इन IPL। तब से ये रूल चला रहा है और 2010 से ही जावेद मियादाद, शोएब अख्तर, वसीम अकरम, रमीज राजा, इन सब के दिल में दोहरा पड़ रहा है और ये 2026 तक कंटिन्यू करते चला आ रहा है। और ये दिल का दोहरा का मतलब जो इलाज है वो आज तक नहीं मिल पाया। ये अभी भी रो रहे हैं कि भाई क्यों पाकिस्तानियों को IPL में नहीं खिलाया जा रहा है। तो भाई आप तो बिलियन डॉलर टीम को हरा देते 2021 में, जो रमेश राजा के कहने मुताबिक, और मतलब शाहिद अफरीदी ने भी बोल दिया है कि भाई मोदी के रहते हुए कुछ नहीं हो सकता, जावेद मियादाद ने भी बोल दिया है कि भाई मोदी के रहते हुए कुछ नहीं हो सकता। तो भाई अगर इतना तुम बोल ही रहे हो तो IPL आते क्यों रो रहे हो कि हमारी खिलाड़ी नहीं खेल रहे? हम नहीं खिलाएंगे, और तुम खुद भी बोल रहे हो कि भाई ये नहीं खिलाते क्यों? और तुम तो गैरतमंद हो, तुम तो जज्बे वाली कौम हो, तो ये तुम्हारे गिड़गिड़ाने की हालत अब क्यों हो गई है? तो इसको लेकर वीडियो आप देख लीजिए, मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड पर। हमने अजहर महमूद को भी देखा, हमने शायद यासिर अरफात भी खेले, फिर उसके बाद हम सिकंदर रजा की बात करते हैं, वो भी पाकिस्तान से ताल्लुक रखते थे, जिम्बाब्वे गए, वहाँ सेटल हो गए, फिर वहाँ के वो शहरी हैं, वो उस हिसाब से फिर वो IPL भी खेलते हैं जाके। तो मेरे ख्याल में किसी भी क्रिकेटर का ये हक है कि वो अगर नेशनल है वो खेल सकता है जाके। और मुझे BCCI की समझ नहीं आती, हैरान कन बात है कि ये बड़ी अजीबोगरीब किस्म का जो है वो इनकी सोच है BCCI की, कि जी पाकिस्तान का पासपोर्ट किसी के पास होगा या पाकिस्तान में जो रहता होगा वो जी IPL नहीं खेल सकता, बाकी दूसरे नेशनलिटी वाले वो सब जो खेल सकते हैं। ये IPL में जो करोड़ों करोड़ों रुपए के बंदे बिके हैं कि साढ़े मुंडियां की कोई कीमत नहीं सी, जो है ना वो IPL अब जिस मकाम पे हमारे प्लेयर पहुंच चुके हैं IPL के, अब वो जो फीका सा मजा है वो अब लोगों को नजर आएगा, फील होगा। यार आप समझते हैं कि फॉरेन प्लेयर जो बाकी हैं, जो गोरे हैं, वो शाहीन शाह अफरीदी से अच्छे बॉलर हैं, या बाबर आजम से अच्छे बैटर हैं, या रिजवान से अच्छे बैटर हैं? या आप देखेंगे 15-16 करोड़ में जो बिका है सबसे महंगा, अगर वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को उसकी इजाजत होती ना बाखरी साहब, तो शाहीन शाह अफरीदी या बाबर आजम मेरे ख्याल से वो नंबर वन आते और सबसे महंगे तरीन क्रिकेटर होते IPL में। क्योंकि आप देखें पिछले जब पहला इनका सीजन था उसमें भी पाकिस्तानी बड़े महंगे बिके थे, शायद अफरीदी भी थे और बाकी। तुझे तुझे, तुझे तुझे ये प्राउड कितना फील होता है? हमें IPL नहीं खेलनी, सियासी मसला है जो भी है, तुझे ये फीलिंग आती है कि एक ऐसी टीम जिसके यहाँ कोई आगे खेलने को तैयार भी नहीं था, उन लड़कों वो लड़के अपने आप को कहाँ ले गए हैं? देखिए जितना मर्जी दुबाने की कोशिश कर लें बोर्ड्स, बाकी जो थे बिग थ्री थी, जो मर्जी करने की कोशिश कर लें, जो हमारे लड़के हैं, जो हमारी मट्टी है, वो उसमें ये चीज़ें हैं कि हमारे जो खिलाड़ी होते हैं वो काफ़ी मजबूत एहसाब के मालिक होते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से अपने आप को बिल्डअप करते हैं। और इंडियन टीम को आपको पता है कि हमने जो है वो जिस तरह वर्ल्ड कप भी है 2021 में, ये सदियों याद रहेगा। हम क्योंकि वर्ल्ड कप में कभी उनसे जीते नहीं थे, और जब जीते हैं
तो फिर वो 10 विकेटों से जीते हैं और बाबर रिजवान स्कोर पूरा करके बाहर आए, तो ये चीजें मैटर करती हैं। आप देखें आईपीएल नो डाउट दुनिया, मैंने एक सवाल तुमसे पूछा कि वो जो फीका रंग है वो रहेगा कि आईसीसी ने जिन लोगों को बेस्ट प्लेयर डिक्लेयर किया है वो नहीं है तो फीका तो रंग सर फीका ऑब्वियसली फीका होगा, मैं आप देखेंगे नहीं, जो हम लोग हैं वो चलो हम लोग तो स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं, हम लोग लगा के कभी देख लेते हैं क्रिक इन्फो पे भी देख लेते हैं, फैन को तो पता है ना, फैन जो है वो नहीं देखते भाई, जो 22 23 करोड़ की आवाम है वो 23 करोड़ में से आप 17 करोड़ तो देखती होगी क्रिकेट को, लेकिन मुझे लगता है कि आईपीएल नहीं देखनी ऐसी, जाओ जो करना है कर लो, जाओ नहीं देखनी। मेरा दिल ये कहता है आप अपना तजिया बताओ कि रिजवान की वर्थ इस वक्त ऐसी है, जो हमने कुछ अर्सा पहले स्टीवन स्मिथ जो रूट केन विलियमसन या विराट कोहली की देखी है, मुझे लगता है कि रिजवान उस लेवल तक चला गया। आईपीएल में अगर पाकिस्तानी क्रिकेटर को इजाजत होती तो रिजवान शायद सबसे बड़ा होता। तो शाहिनशाह अफरीदी की ज्यादा अच्छी बॉलिंग थी पैट कमिंग्स की निस्बत या मिचेल स्टार्क की निस्बत या दुनिया के इस वक्त वर्ल्ड क्लास बॉलर्स की निस्बत, तो आईपीएल के अंदर बहुत बड़ी डिमांड होती और एक हर टीम के पास कोशिश, जो भी टीम पहले पिक होती है वो कोशिश करता कि हम शाहिनशाह अफरीदी उठा लूं, को कम से कम इस साल तो उनकी फॉर्म को देखते हुए तो मैं तो समझता हूँ कि रिजवान बड़े हॉट चॉकलेट के तौर पर लोग इनको उठाते और फ्रेंचाइजीज बड़ी भारी कीमतें देती कि 10 करोड़ से ऊपर की मछली है मेरी जान। आसिफ अली, शादाब खान, हसन अली और इसके साथ हारिस रऊफ, आपको लगता है कि ये भी अब उस स्टेज पर हैं जिनको इग्नोर या नजरअंदाज नहीं किया जा सकता? यार डिबेट की जा सकती है, ये प्लेयर सारे वो हैं जिनके आपने नाम लिए ना, ये सारे वो प्लेयर हैं जो कि अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स पिक होते इस ड्राफ्ट का हिस्सा बनते तो तमाम प्लेयर पिक होते, शदाब भी पिक होता यहाँ पर, इवन इमाद वसीम पिक हो जाना था, बाबर आजम पिक हो जाना था, ये T20 के बड़े स्पेशलिस्ट क्रिकेटर्स हैं। यार वो ना खेलें भाई, हम उनके तरले थोड़ी करते हैं या हम उनके पीछे पड़े रहें, वो नहीं खेलना चाहते पाकिस्तान तो नहीं खेले यार, उनको बाहर निकालें, तीन ममालिक दोनों मुल्क आपस में खेलते हैं तो इस रीजन में नहीं खेल सकते बागरी साहब, वो दौर वापस नहीं आना, आप सियासत जो है आपकी क्रिकेट पर हावी हो चुकी है, वो जड़ा मोदी साहब ने ना जो कुछ लिखने लगा सी, वो नहीं चाहते भाईजान पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करना, लेकिन वो बोर्ड नहीं चाहता खोता छोड़ता है। व्हाई पाकिस्तानी प्लेयर्स नॉट इन आईपीएल? सियासत और खेल का कोई आपस में ताल्लुक नहीं है क्या? आप नहीं चाहते इंडिया में बैठने वाले कि पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात अच्छे हों, पैसा सेहत पे, तालीम पे और उस पे लगे? हम भी यही चाहते हैं, लेकिन जब तक ऐसा नहीं हो जाता हम क्रिकेट या खेल को बीच में क्यों ले आते हैं? और क्या जो भारत की पॉलिसी है कि वो आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं खिलाएंगे, अगर इतनी यार मसले मसाइल हैं दोनों मुल्कों में बोर्ड में, तो फिर आईसीसी इवेंट में कैसे खेल लेते हैं, वहां कैसे पॉलिसी चेंज हो जाती है? इसलिए कि वहां ब्रॉडकास्ट का पैसा बहुत इन्वॉल्व है। दुनिया का बेहतरीन क्रिकेटर कौन है इस वक्त? शाहिनशाह अफरीदी। दुनिया का बेहतरीन T20 क्रिकेटर कौन है? मोहम्मद रिजवान। दुनिया का बेहतरीन वनडे प्लेयर और T20 प्लेयर कौन है? ना भी आईसीसी अवार्ड जीता हो या वैसे ओडीआई प्लेयर, बाबर आजम है, हारिस रऊफ, यू नेम इट, कम से कम 15 खिलाड़ी ऐसे हैं जो आईपीएल ऑप्शन में जा सकते थे। पाकिस्तानी खिलाड़ियों का आईपीएल में ना होना आईपीएल का नुकसान है, और वैसे भी बॉलिंग वहां पर इतनी तगड़ी नहीं होती, स्पेशली अगर फॉरेन बॉलर्स ना आए तो। तो पाकिस्तानी प्लेयर्स की जरूरत थी इंडियन को, इंडियन प्रीमियर लीग को इस साल, जब आप 10 टीमों के साथ जा रहे थे, आपकी हर टीम में इमेजिन करें शाहिन शाह अफरीदी नहीं होते, रिजवान होते, बाबर होते, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? आप थोड़ी देर के लिए ना सियासत को और नफरत को पीछे करके खिलाड़ी और खेल का सोचिए। यार क्रिकेट पहले ही 10 मुल्कों का खेल है और 10 मुल्कों में भी दो बड़े मुल्क पाकिस्तान इंडिया खेलते नहीं है, और उसमें भी एक बड़ा मुल्क आईपीएल जिसने आईसीसी से भी एफटीपी के अंदर इसको इंक्लूड करवाया हुआ है, तो आम क्रिकेट बोर्ड पैसे की वजह से सपोर्ट भी करते हैं, वहां पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं है। लेकिन मैं क्या करूं जब मेरे मुल्क के खिलाड़ी को आप शामिल नहीं करेंगे, तो कैसे आपका वो एक इमोशनल टच आएगा? मैं क्रिकेटिंग टच और जर्नलिस्ट की हैसियत से मेरी एक समझ लीजिए जरूरत है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं मैचेस को देखता रहूं, उस वजह से क्योंकि क्रिकेट हो रही है, पीएसएल इंडियंस भी देखते हैं यार, कि कोई तो बात करे इस पर यार कि पाकिस्तानी प्लेयर्स आईपीएल में क्यों नहीं है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को बोलना चाहिए, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को बोलना चाहिए, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को बोलना चाहिए, साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड को बोलना चाहिए, आईसीसी को इसकी नोटिस देना चाहिए, बिकॉज ये टूर्नामेंट आईपीएल को आईसीसी की पूरी सपोर्ट हासिल है। पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल में होना चाहिए दुनिया के हर क्रिकेट बोर्ड की तरह, आईपीएल के अंदर पाकिस्तानी प्लेयर्स का ना होना इट इज अ मोस्ट सैडेस्ट थिंग इन वर्ल्ड एंड स्पोर्ट्स, वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स, ये बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन है। तो दोस्तों देखा आपने, दोगलेपन की भी कोई हद होती है। पहले तो तुम ये बड़ी बड़ी बातें करते हो कि भाई हमने बिलियन डॉलर टीम को हरा दिया, दुश्मन मुल्क, हम लगाने कौन सा अल्फाज आप इस्तेमाल करते हो भारत के लिए, लेकिन जब आईपीएल आ जाते हैं तो मतलब आपकी छूट जाती है पसीना और क्या क्या निकलता है आपकी किस किस जगह से, ये बोलने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो आप मतलब बातें करते हो, पहले बोलते हो क्यों नहीं खिलाते, फिर जब मतलब सारा रोना खत्म हो जाता है तो थोड़ा सा जज्बा अंदर ईमान जगता है, फिर बोलते तो नहीं मत खेलने दो, मत ये हो जाने दो, वो हो जाने दो, हमें मत खिलाए। अरे भाई जब बोल ही रहे हो कि हमें मत खिलाए,
बोल ही रहे हो कि हमें नहीं खेलना चाहिए, तो भाई क्यों रो रहे हो जब आईपीएल आता है? नहीं रोना चाहिए, हमने तो पहले ही बोल दिया कि भाई कुत्ते और पाकिस्तानी मतलब आईपीएल में खेलने की हम इजाज़त नहीं देते, तो ये तुमको मान लेना चाहिए। तो लेकिन फिर भी तुमको तरस आ रहा है क्योंकि यहाँ पर मोटा पैसा मिलता है और वहाँ पर आटे की लाइन में लगना पड़ता है, ये दो डिफरेंस है। क्योंकि वहाँ पर तुम दिन भर आटे की लाइन में मतलब लगे रहते हो, वो भी मतलब ये नहीं है कि 100% मतलब आपको गारंटी नहीं कि आपको आटा मिल ही जाए, लेकिन यहाँ पर आप आ जाओ तो 2-3 साल के लिए आटा मिल बना सकते हो पाकिस्तान में, एक इतना पैसा मिलता है, तो आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। मैं रुकता हूँ, जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।